हेलो दोस्तों, मैं हिमानी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट हिमानी पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी समोसे की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ बहुत रिक्वेस्ट आती है लोगों के मेरे पास अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। उसी में से एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तंदूरी समोसे बनाने की। मैंने ट्राई किए काफ़ी कम तेल में और बहुत अच्छे समोसे बने थे इलेक्ट्रॉनिक तंदूर में। तो इसी तरह से आप लोगों की जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है मैं उस पर रिप्लाई तो फ़ौरन कर देती हूँ, पर कई बार मैं समय की कमी के कारण या किसी और व्यस्तता के कारण वो फ़ौरन रेसिपी ट्राई नहीं कर पाती हूँ। परंतु मैं थोड़ा आगे पीछे उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिएगा, इस तरह से आप लोग मेरे पास रेसिपी की रिक्वेस्ट भेजते रहिएगा, यही चीज़ मुझे आगे और अच्छा और नया करने के लिए प्रेरित करती है। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरी ये रेसिपी देखेंगे, जैसे कि उसके बाद आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर आप लोग मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ भी अपने कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं तो उसका मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। कुछ भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा, जितना भी पॉसिबल होता है मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसके साथ ही आइए देखते हैं आज कैसे बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक तंदूर में तंदूरी समोसे। तो यहाँ पर हमें लेनी है एक कढ़ाई और नीचे हमें गैस जलाकर रखनी है। शुरुआत में तो तेज पर ही रखनी है ताकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने लिया है 4 टीस्पून ऑयल। इसे अच्छे से तेज़ गर्म होने दें ताकि इसमें मसाले फ़ौरन से कड़क जाए। ये अच्छे से तेज़ गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाला है 1/4 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच मैं डालूँगी अब इसमें जीरा। जीरा भी डालते ही फ़ौरन कड़क गया है। तो इसके बाद हमें गैस कर देनी है सिम पर। इसके बाद सारे मसाले हमें सिम पर ही डालकर पकाने हैं। ये मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च का पेस्ट। इसे भी डालकर हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इसे भून जाने के बाद हमें इसमें डालने हैं और मसाले, जिसमें कि मैंने लिया है 1/2 चम्मच दरदरा कूटा हुआ सौंफ और 1 चम्मच दरदरा कूटा हुआ धनिया। इसके साथ ही 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा। दरदरे कूटे हुए पाउडर जो मसाले होते हैं उनका फ्लेवर अच्छा आता है और भुन जाने के बाद और अच्छी अरोमा आती है, तो इसलिए मैंने दरदरे कूटे मसाले यूज़ किए हैं। ये मैंने घर पर ही फ्रोज़न की हुई मटर इसमें यूज़ की है। इसको डालने के बाद हमें थोड़ा सा भून लेना है 1 मिनट और फिर इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए सिम पर पकने रख देना है। अगर आप कच्ची मटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप एक बार उबाल लें। ये 4-5 मिनट बाद आप देखेंगे हल्का सा गल गई है हमारी मटर। ऐसे ही स्टेज पे हमें इतनी कुक हमें चाहिए थी। अब हम इसमें डालेंगे 4 उबले हुए आलू बड़े साइज़ के। इन्हें डालने के बाद अच्छे से हमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है पहले, और इसके बाद हमें इसमें ऐड करने हैं थोड़े से और मसाले। तो अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद, और गैस मैंने जैसा कि पहले ही बताया था सिम पर ही रखनी है, नहीं तो हमारा जो स्टफिंग है वो जल सकता है किसी भी स्टेज पर। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी, मैंने ले ली है पुदीना लीव्स ड्राई की हुई, उन्हें क्रश करके डाल दिया है। और इसके बाद मैं ले लूँगी कसूरी मेथी लीव्स, वो भी थोड़ी सी ली है और उन्हें भी इस पर क्रश करके डाल देना है। ये ड्राई की हुई है, आप चाहे तो इन्हें घर पर भी ड्राई कर सकते हैं और या फिर बाज़ार से लेकर भी यूज़ कर सकते हैं। इन मसालों की इसमें बहुत अच्छी अरोमा आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये ड्राई जो लीव्स हैं ये इसमें ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने डाला है इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली थी तो इसलिए लाल मिर्ची पाउडर यहाँ पर मैंने कम डाला है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर। और इसमें अमचूर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जो कि बहुत अच्छा रंग देता है और उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक हमारा आटे में भी जाएगा तो उस बात को ध्यान में रखते हुए नमक इसमें डालें। मसाले अब हमने जितने डालने थे सब डाल चुके हैं, अब इसे अच्छे से हमें भूनना है। पूरा सारे मसाले मिक्स हो जाने चाहिए। इस समय आप हीट मीडियम की तरफ रख सकते हैं और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनते रहना है, और थोड़ा थोड़ा इसे बीच में हमें क्रश करते भी रहना है जिससे कि मसाले इसमें हर पार्ट में इवनली मिक्स हो जाए। और अच्छे से लगभग हमें इसे 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए।
ताकि हमारे जो समोसे बने वो जल्दी से सौगी ना हो और बहुत करारे बने। तो इसी तरह से इसे लगातार भूनते हुए आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा डिडक्ट होता जा रहा है मसाला, इसका मतलब अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए इसे हम तभी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब हम लगाते हैं, जितने हमारे ठंडा हो जाएगा स्टफिंग इसका आटा लगा लेते हैं अब हम, तो इसे रखते हैं हम एक साइड में। इतने हमारा ये स्टफिंग ठंडा होता है, एक तरफ हम आटा लगा लेते हैं। आटे के लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैदा और 1/4 कप सूजी। ये सूजी जो है आपके समोसे के अपर लेयर को बहुत बढ़िया क्रस्ट देगी। और साथ में इसमें मैंने डाला है नमक और 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, उसे हाथ से क्रश करके डाल लिया है अच्छा फ्लेवर और अच्छा फ्रेग्रेंस के लिए। साथ ही में आप इसमें डालेंगे ऑयल। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ कि इसमें 1/4 पार्ट हमारा ऑयल का डलता है जितना कि हम मैदा लेते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए थोड़ा थोड़ा करके अंदाजे से इसमें ऑयल डालते जाएँ और तब तक डालकर मिक्स करते जाएँ जब तक कि इसकी मुट्ठियाँ ना बनने लगे। थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लगा तो मैंने देखिए यहाँ पर दोबारा ऐड कर लिया और अब थोड़ा मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी मुट्ठियाँ बनने लगी हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। पानी भी हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, उतना ही डालना है जिससे कि पूरी जैसा कैड़ा टाइट आटा लगने लगे हमारा। पूरी से थोड़ा सा सख्त भले ही हो, नरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें पूरा इसका टाइट आटा लगा लेना है। पानी ध्यान से बिल्कुल भी ज़्यादा ना डले क्योंकि अगर थोड़ा भी नरम हो गया तो आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। और इसे लगातार अच्छे से मिक्स करते हुए बचते हुए इस आटे को हम गूँथ लेते हैं। और पूरा जब आटा हमारा एक साथ बाइंडिंग हो जाती है उसके बाद भी हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से हाथ से मैश कर लेना चाहिए जिससे कि इसका ग्लूटेन अच्छे से रिलीज़ हो जाता है। अब ये आटा पूरा रेडी हो चुका है, इसको थोड़ी देर और मथना होगा। अब हमें ये अब बिल्कुल तैयार है आटा और इसको अब हमें लगभग 20-25 मिनट के लिए ढक के रख देना है। ये 20-25 मिनट हो चुके हैं, इधर हमारा आटा भी रेडी है और उधर हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम बनाते हैं समोसे। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले करना क्या है, इस आटे को हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। मैंने इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 8 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है हमारे पूरे 16 समोसे रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हम जो एक पार्ट तोड़ते हैं और उसकी हम गोल लंबी सी पूरी बना लेते हैं तो उस एक पार्ट को जब हम सेंटर में से कट करते हैं तो हमारे एक पूरी में से 2 समोसे बन जाते हैं। तो इसी तरह से अच्छे से मथते हुए, क्योंकि आटा हमने टाइट लगाया है तो उसे वेल शेप देने के लिए थोड़ा मथना पड़ेगा, और मथते हुए इसी तरह से हमने इसकी पूरे आटे की पेड़ियाँ बना ली हैं। ये देखिए पूरी 16 पेड़ियाँ तैयार है। अब इनको हमें किसी क्लीन सरफेस पर बेल लेना है और साथ में हमें चाहिए पानी जो कि हमारे समोसे की बाइंडिंग के लिए काम आएगा। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसको बेल लेना है, शुरुआत में राउंड एंड देन फिर उसके बाद हमें इसे एक तरफ किसी भी तरफ लंबा करके बेल देना है, क्योंकि समोसा तभी हमारा अच्छा बनेगा। इस तरह से किसी भी एक तरफ से आप लंबा कर दीजिए और अब हम इसे सेंटर में से कट कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। और ये हमारा थोड़ा सा रोटी से पतला बनाना होता है हमें। और यहाँ पर हमने एक साइड अंदर की तरफ और एक साइड बाहर की तरफ पानी लगा लिया है और ये हमारी जो ठंडी हो चुकी स्टफिंग रेडी है। इस तरह से हमें 1/2 इंच का स्पेस रखते हुए इसे जॉइंट दे देना है, क्योंकि पानी लगाया है तो ये अच्छे से एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास चिपक गया है। और इस तरह से आपका जो सॉफ्टी कोन होता है उसकी शेप में ये आ चुका है। अब हमें इसमें अच्छे से स्टफिंग भर देनी है, ना बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी तो वो तेल में जाते ही समोसे फट जाएंगे। अच्छे से स्टफिंग भरने के बाद ऊपर चारों तरफ किनारे पर भी हमें पानी लगा लेना है और इसे लॉक कर देना है। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से एक प्लेट दी सेंटर में और उसको अच्छे से स्टफिंग को दबाते हुए हम इसे लॉक कर देते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट शेप का समोसा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो यहाँ पर अब हम आपको एक और तरह का समोसा बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि ये हम तंदूर में बनाने जा रहे हैं तो हो सकता है वो शेप का समोसा प्रॉपर परफेक्ट ना बने। तो उसी तरह से हमने पहले यहाँ पर गोल पूरी बेल ली है और उसको अब उसके अंदर हम स्टफिंग भर रहे हैं अच्छे से। लगभग 2 समोसों की स्टफिंग हमारी एक ही समोसे में आ जानी है। चारों तरफ कॉर्नर पे मैंने पानी पहले ही लगा लिया है।
ये स्टफिंग लग जाने के बाद अब हम इसे देंगे एकदम नई शेप, जो कि हमारी होगी गुजिया की शेप। जी हाँ, ये गुजिया शेप समोसा होगा। और तंदूर में बना रहे हैं तो मैं खुद भी कुछ नया ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि कौन सा समोसा ज़्यादा अच्छा सिक कर आएगा, कहीं कोई कच्चा तो नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से कॉर्नर को अंदर की तरफ बाइंड करते हुए हमें एक बढ़िया गुजिया की शेप मिलकर तैयार हो गई है हमारी। अब हम इन्हें तंदूर में डालेंगे। और पहले हमने इस तरह से सारे समोसे बनाकर रख लेने हैं और उसे एक घंटे के लिए खुला छोड़ देना है ताकि उनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इंग्रेडिएंट्स के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इधर तंदूर को मैंने पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। 3 से 4 मिनट में हमारा तंदूर प्रीहीट हो चुका है। ट्रे भी इसके साथ में ही मैंने हीट होने रख दी थी। अब इसके सरफेस पे हमें ऑयल लगा लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, हल्की से ऑयल की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और उसके ऊपर ये समोसे रखकर ऊपर से उनको भी हमने हल्का सा ऑयल लगा देना है। दोनों तरफ से हमें पलट कर ऑयल लगा देना है जिससे कि वो अच्छे से सिक जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें हमारा जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर की लेयर को सिकने के लिए ही सिर्फ हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने इसमें डाल दिया है और आप यहाँ पर ग्लास व्यू मिरर से इसे अच्छे से देख सकते हैं सिकते हुए। थोड़ी देर बाद ही अब हमने इसे निकाला और हल्का सा हम देख रहे हैं कि ड्राई हो गया है, तो हमें इस पर हल्का हल्का ऑयल फिर से स्प्रेड कर देना है। आप देखेंगे मैंने दोबारा ऑयल लगाया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो साइड में बहकर इधर उधर चला जाता है, तो इसलिए हमें इस पर दूसरी बार भी ऑयल लगाना पड़ा, अदरवाइज़ ये बहुत कम ऑयल में सिक जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे अब ये मैं पलट रही हूँ और इसे लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं। आप देखेंगे हर तरफ से हल्का हल्का कलर आ चुका है ऑयल, जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम ऑयल साइड में जा रहा है, तो इसमें बहुत कम ऑयल लग रहा है सिकने में। और अब आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के करीब हो गए हैं इसे सिकते हुए और अच्छा खासा क्रस्ट आना शुरू हो गया है। बट इसको ध्यान रखते हुए कि इसको बार बार पलटना भी पड़ेगा और इसका जगह भी हमें बदलनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग 5 से 7 मिनट में हमारे कितने बढ़िया समोसे बनकर तैयार हैं। तो इसी तरह से बहुत कम ऑयल में और बहुत बढ़िया क्रस्ट के समोसों का आप मज़ा ले सकते हैं तंदूर में। तो कैसे लगे आपको ये तंदूरी समोसे? ये देखिए, क्रस्ट देखते हुए ही पता चल रहा है जब मैं चाकू से कट कर रही हूँ। ये देखिए एकदम पतले समोसे बने हैं, जो अंदर की कवर है ऊपर का वो बिल्कुल पतला है और अंदर की स्टफिंग एकदम बढ़िया। और जो भुरभुरापन, जो खस्तापन है जो इस समोसे का, अभी मैं इस वाले समोसे को भी कट करूँगी तो आपको देखते ही पता चलेगा। ये देखिए कैसे एकदम बिखर गया, यानी एकदम करारापन है, यानी कच्चा बिल्कुल भी नहीं है कहीं से। मैंने आपको खोलकर भी दिखा दिया है, बहुत बढ़िया समोसा सिका है। तो आप इसे तंदूर में इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसके क्रिस्पी क्रस्ट की आवाज़ भी सुनाती हूँ। ये देखिए चाकू से आवाज़ करने पर कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है और ये खुरचने पर भी साफ पता चल रहा है कि क्रस्ट कितना करारा बना है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये समोसे। और आप चाहें तो इन्हें तलकर भी बना सकते हैं, तलकर भी आप देखिए कितने अच्छे समोसे बने हैं। तो इस रेसिपी के बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे आने वाले अगले वीडियो में। ओके, बाय दोस्तों।